लाश मारकर थोड़ा हिस्सा साफ मोड़ेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ वो भी हिंदी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्केटिंग चैनल साइल स्केटिंग कॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्केटिंग के बहुत ही यूनिक स्टेप जिसको बोलते हैं बैक सेकंड ज़िगज़ैग। और नॉर्मली आपने फ्रंट पे ज़िगज़ैग देखी होगी, फ्रंट पे हमने ऑलरेडी फर्स्ट ज़िगज़ैग और सेकंड ज़िगज़ैग आपको बता रखी है। अब यही स्टेप मैं बैक में बताने वाला हूँ। है ये बहुत मुश्किल है और ये क्वाड पे ज़्यादा बेटर होगी, रोलर और इनलाइन के से बेटर ये क्वाड्स पे होती है। और डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे तो विद इन 7 डेज में आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं लेसन नंबर 55, हाउ टू यूज़ सेकंड ज़िगज़ैग, बैक सेकंड ज़िगज़ैग ऑन स्केट्स। दोस्तों, बैक सेकंड ज़िगज़ैग, एक तो नॉर्मली फर्स्ट ज़िगज़ैग होती है जो आप देख लीजिएगा कैसे होती है। नॉर्मली आप बैक में जाने तो ये पैर आगे रहेगा, ये नॉर्मल ज़िगज़ैग है, ठीक है, इजी है। अब इसको थोड़ा और हम मुश्किल बनाने वाले हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप मुझे पूरा फ्रेम में लें ताकि हमारे जितनी भी ऑडियंस उनको समझ में आ जाए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्पेशल डिस्टेंस, जो बराबर डिस्टेंस में आप सारे मार्कर वगैरह जो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो आप इस टाइप से मार्कर वगैरह जमा दीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, नॉर्मली आप सिर्फ दो मार्कर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, यू इतने ज़्यादा मार्कर पर मार कीजिएगा, पहले आप दो मार्कर पर कीजिएगा। कैसे होगा, देखिए, फर्स्ट आपको बैक लेना है, बैक सेकंड ज़िगज़ैग या जो भी बैक की स्टेप्स है उसमें आपको बैकिंग आना कंपलसरी, बैक में बैक होगा तभी तो आप बैक ज़िगज़ैग कर पाओगे। आपको बैकिंग ही नहीं आएगी तो उसके बाद आगे की स्टेप्स कैसे क्या करेंगे आप, ठीक है। तो नॉर्मली देखिए ये मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ये अभी फिलहाल दोनों पैर ऐसे बैकिंग में लिए, ठीक है। अब मुझे इसको सेकंड ज़िगज़ैग करना है। सेकंड ज़िगज़ैग में मतलब ये है कि आपको एक पैर इधर ले जाना है, एक पैर इधर, ठीक है। नॉर्मली जैसे आप वहाँ से निकलते हैं इसको, इन दोनों को मार्कर के सेंटर में आएंगे, आप सेंटर में आते इस पैर को ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली ये क्रॉस किया, ओके। जब आप स्लो नया नया जब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप कई बार बैक में गिरेंगे। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट बैक लिया, ठीक है। अब दोनों पैरों को क्रॉस किया। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा पैर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर एज यू विश जैसा भी आप चाहें, अब इस पैर को कर रहे हैं या इस पैर को आप ऐसे कर रहे हैं, जो भी आपके सूटेबल होता है। आप राइटी लेफ्टी में थोड़ा फ़र्क आता है, मैं राइटी हूँ तो मेरा ये वाला पैर इस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। नॉर्मली देखें ये क्रॉस, ठीक है। अब एक और चीज़ ये करना है कि आपको हल्की सी गर्दन को टेढ़ी रख के पीछे के मार्कर देखने, ठीक है। अभी ये मैं बिल्कुल स्लो में कर रहा हूँ, आराम से, इसको बोलते हैं सेकंड ज़िगज़ैग, बैक सेकंड ज़िगज़ैग, ठीक है। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, ओके। इतना ज़्यादा मुश्किल स्टेप्स नहीं है। आप 7 दिन ये प्रैक्टिस करेंगे, पहले दो मार्कर पे कीजिएगा, दोनों पैर ऐसे आएंगे, फिर दोनों पैर क्रॉस होंगे, चाहे आपका राइट पैर आगे रहे या लेफ्ट पैर आगे रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे कर रहे हैं। इसी स्टेप को आप फ्रंट में भी कर सकते हैं। फ्रंट में मैंने ऑलरेडी लेसन बना रखे, शायद 5 या 4 लेसन हैं जो फ्रंट ज़िगज़ैग पे है, और नहीं है फिर भी मैं बच्चों से भी ये स्टेप्स और जो फ्रंट ज़िगज़ैग की स्टेप्स है वो भी लेसन बना के आपके पास ले आऊँगा। क्योंकि कई लोगों को मेरी स्टेप समझ में आती है कि सर आप करके बताइए, तो उनके लिए ये स्टेप्स है। कई लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे ही सिखाएं तो ज़्यादा बेटर, तो मैं 1-2 लेसन बाद ये वीडियो बच्चों के साथ लूँगा। दोस्तों, यही स्टेप अब मैं आपको बैक में दिखा देता हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ और फेस कैसा है, मेरी गर्दन कैसी रहेगी, पैर कैसे रहेंगे और मेरी बॉडी की जो लैंग्वेज है वो कैसी रहेगी, मतलब देखिए। चलिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, मैं बैक में देख रहा हूँ हर मार्कर, एक तो एक बराबर डिस्टेंस में आपको रखना है ताकि आप चाहकर भी अगर थोड़ा बहुत गलत करें तो ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाए। बराबर डिस्टेंस में होंगे ना मार्कर तो ये स्टेप बहुत अच्छी होगी। एक मार्कर यहाँ है या एक मार्कर बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे अब ये दोनों मार्कर पास है तो मेरी जो गणित है वो थोड़ी सी बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो बेटर है कि आप एक स्पेशल डिस्टेंस में रखें, बराबर थोड़ा 19-20 चल जाएगा, लेकिन इतना वो उसका उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा इसमें कम है तो मुझे यहाँ पर दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ से मैं निकल तो जाऊँगा लेकिन जब तक ये मैं पैर यहाँ तक ले जाऊँगा तब तक ये मार्कर आ जाएगा। अगर ये बराबर डिस्टेंस में है, ठीक है, तो ये मेरे पैर गए और यहाँ से ये यहाँ तक आ गया, ईजी हो गया, समझ में आ जाएगी, ठीक। इस उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के साथ आपको ये स्टेप्स पूरी समझ में आ जाएगी। क्रॉस, ठीक है, स्पीड, दोनों दूर, दोनों पास, दोनों दूर, दोनों पास, फिर दोनों दूर, दोनों पास, क्रॉस, पास का मतलब है क्रॉस, लास्ट में
तो दोस्तों बहुत ही इजी स्टेप है, आप 7 दिन प्रैक्टिस करेंगे। क्वाड पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, रोलर इनलाइन पे इतनी अच्छी नहीं होगी। क्वाड पे ज़्यादातर स्टेप जो भी है क्वाड पे ज़्यादा अच्छी होती है, हाइपर स्केट्स पे, इनलाइन पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इनलाइन सिर्फ और सिर्फ रनिंग के लिए आता है, रोलर सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग के लिए आता है, क्वाड आता है स्पेशल स्टेप्स के लिए। तो अगर आप स्टेप करना चाहते हैं तो क्वाड पे जाइए, स्पीड लेना चाहते हैं तो इनलाइन पे, और बैलेंसिंग नहीं पहली बार सीख रहे हैं तो आप रोलर पे, इजी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको लेसन नंबर 55 आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी तरह के प्रोफेशनल स्केट खरीदने हो आपको तो स्क्रीन पे नंबर है, इस पे कॉल और व्हाट्सअप आप इवनिंग में 7 to 9 के बीच में आप कर सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों बस यही, इस ये आपको लोगो दिख रहा है, इस पे लोगो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक वीडियो है जो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। मैं हूँ इंटरनेशनल स्केटर एंड स्केटिंग कोच इमरान खान, किंग ऑफ स्केट्स, साइली स्केटिंग कॉलेज से। जय हिंद, जय भारत।